सो हेलो बडीज, वेलकम टू टेक का ज्ञान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम इंडिया की गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और स्टेप्स जो से वो रेगुलरली आप फॉलो कीजिएगा जैसे भी हैं, और एम्बेसी की वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहिएगा फॉर आर रेगुलर अपडेट्स। तो गाइज, मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट या टूर ऑपरेटर नहीं हूँ, तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि एम्बेसी और VFS की जो सी वेबसाइट्स हैं उनको रेगुलरली चेक कीजिएगा। तो गाइज चलिए हम अब शुरू करते हैं। स्टेप वन जो सा है वो है आपको अपने डायरेक्ट जो से कलेक्ट करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स में जो सा पहला डॉक्यूमेंट है वो है फॉर्म 40A ड्यूली फिल्ड एंड साइंड। तो फॉर्म 40 आपको जो सा है 40A फॉर्म, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जिसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होंगे। सैंपल जो सा है ये 40A का डॉक्यूमेंट्स का जो सा है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म का। गाइस ये PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपको इसको ड्यूली फिल्ड करना है। आप मतलब जैसे कि आप इसको कंप्यूटर से ही फिल कर सकते हैं टाइपिंग करके, और साइनिंग जो सी है वो आप खुद करेंगे, अपने हैंड रिटन साइनिंग करेंगे, और इसको स्कैन कॉपी अपने पास हमेशा रखेगा पेन ड्राइव में। जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड कर सकते हैं सिंगापुर एम्बेसी को। तो गाइस कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। तो गाइज अब हमने फॉर्म कलेक्ट कर लिया, तो सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप जो सा है वो है फ़ोटोज़ को क्लिक्ड करवाना। अपनी जो सी आप फ़ोटोज़ है उसको क्लिक्ड करवा के रखिएगा। तो अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करवाने के बाद में जो सी आप स्पेसिफिकेशन है पहले चेक कर लीजिए कि एज़ पर रूल ही आपकी फ़ोटो क्लिक्ड हो, तो कोई इवन एक्सपोजर ना हो, कोई हेयर जो से आपके आईब्रोज और आइज़ को कवर ना कर रहे हों, स्पेक्टिकल्स प्रॉपरली हों, फुल फेस आए, एंड कलर जो सा है वो ज़्यादा ब्राइट ना हो, बैकग्राउंड वाइट हो और आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट हो। सो आफ्टर गेटिंग योर फोटोज क्लिक्ड अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 जो सा है वो कुछ है इस तरीके से कि आपको अपनी स्कैन कॉपीज करनी होगी पासपोर्ट की बायोडाटा पेज की रेडी। गाइस स्कैन कॉपीज आपको किसी भी कैफ़े से या फिर अपने अपने लैपटॉप में अपने घर स्कैनर से कर सकते हैं। तो ये स्कैन कॉपीज आप अपने पास प्रिंट आउट में लाइक रखिएगा, और कुछ अपने पेन ड्राइव में भी हर डॉक्यूमेंट को सेव करके रखिएगा ताकि जब भी ज़रूरत पड़े सिंगापुर एम्बेसी को आप हार्ड कॉपी दे सकें। तो गाइस कुछ सिंपल स्टेप के बाद फॉर श्योर स्टेप 4 वो होगा पासपोर्ट। तो आपको पासपोर्ट जो सा है वो कलेक्ट करना होगा अपना, और इसको भी फाइल में लगाना होगा। तो आपके पास अभी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और चौथा जो सा आ गया है वो आ गया है पासपोर्ट। तो गाइस पासपोर्ट को कलेक्ट कर लीजिएगा विद 2 ब्लैंक पेजेस जो से हैं वो फॉर वीज़ा स्टैंपिंग के लिए खाली हों। गाइस पासपोर्ट को आप पहले ही चेक कर लीजिएगा उस पर 2 ब्लैंक पेजेस जो से वो खाली हों ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स को विद एयर टिकट बोथ वे रेडी रखेगा, और अपनी मेडिकल इंश्योरेंस गाइज प्लीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस जो सी है वो अपनी करवा के जाइएगा। ये मैंडेटरी तो नहीं है सरकार की तरफ से, सिंगापुर एम्बेसी की तरफ से कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, पर ये मेरी एक बेटर ऑप्शन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर करवाइएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द टेक्निकल अपडेट्स एंड ट्रैवल अपडेट्स के लिए। थैंक यू गाइज़।